ये है डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, वर्ष 2013 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी। इनकी सबसे बड़ी पहचान है ईमानदारी, और इस समय इनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ईमानदारी का न्यायिक प्रमाण पत्र होने के बाद भी सरकार और सिस्टम इन्हें प्रताड़ित कर रहा है। जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ साजिश की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई। उस वक्त वो बिहार के मोहनिया में अपनी सेवा दे रहे थे और ट्रांसपोर्ट माफियाओं के भ्रष्टाचार की चेन को तोड़ने में जुटे थे। इसी दौरान ट्रांसपोर्ट गिरोह ने जितेंद्र गुप्ता पर रिश्वत का आरोप लगाकर उन्हें बिहार की विजिलेंस टीम के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन ट्रांसपोर्ट गिरोह की साजिश सामने आने के बाद जितेंद्र गुप्ता झुके नहीं, बल्कि कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी। पटना हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2016 को जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ फर्जी मुकदमे को निरस्त कर दिया। यानी जिस ईमानदार अधिकारी को सिस्टम बेईमान साबित करने में जुटा था, उसी आईएएस अधिकारी को न्यायपालिका ने बेकसूर बताया। देखिए, उनका गुनाह यह था कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी, और उसके बाद 5 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हो चुके हैं। हर एक राउंड ऑफ लिटिगेशन में डॉक्टर गुप्ता की जीत हुई है। पटना हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद जितेंद्र गुप्ता को ये धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद उन्हें बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। इस अधिकारी ने सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ये अपील की कि बिहार में उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनके कैडर को बदलने का आदेश दिया जाए। 2018 में सीएटी ने जितेंद्र गुप्ता की अर्जी स्वीकार कर ली, लेकिन बिहार सरकार ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि माफियाओं द्वारा की गई साजिश में बिहार की विजिलेंस टीम शामिल है, और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यह आदेश दिया कि जितेंद्र गुप्ता को 5 लाख रुपए का मुआवजा मानहानि के एवज में दिया जाए। बिहार सरकार ने अगस्त 2019 में जितेंद्र गुप्ता को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दे दिया। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मुआवजे की राशि की वसूली माफियाओं और उन अधिकारियों से नहीं होनी चाहिए जिन्होंने जितेंद्र गुप्ता को झूठे केस में फंसाया? और सवाल ये भी बनता है कि क्या अब तक उन माफियाओं पर कोई एक्शन हुआ या नहीं? हाईकोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर को हैरेस किया गया, और ये भी रिकग्नाइज किया कि बिहार में उनका सर्व करना अब पॉसिबल नहीं है, ही हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेट। बट बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट के, डॉक्टर गुप्ता को कैडर ट्रांसफर नहीं किया। 3 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगले 3 हफ्तों में जितेंद्र गुप्ता को हरियाणा में पोस्टिंग दी जाए। स्क्रीन पर जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये 3 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि 3 हफ्ते में जितेंद्र गुप्ता की नियुक्ति हरियाणा कैडर में हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जो लॉ ऑफिसर अपियर हुए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इन्हें अब हरियाणा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अभी तक कैडर ट्रांसफर नहीं हो पाया है, और मुझे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेटिक ऑब्ड्यूरेसी का उदाहरण है। 2.5 महीने बाद भी जितेंद्र गुप्ता को सरकार के बुलावे का इंतजार है। अब तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेशों के अनुसार जितेंद्र गुप्ता की पोस्टिंग के संबंध में कोई फैसला लिया है। इस पूरे मामले में जी न्यूज ने बिहार सरकार का भी पक्ष जानने की कोशिश की, ईमेल भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिहार काडर के आईएएस जितेंद्र गुप्ता के मामले में हमने कार्मिक मंत्रालय का पक्ष भी जानना चाहा। मैंने कार्मिक मंत्रालय के सेक्रेटरी सी चंद्रमौली को एक के बाद एक कई मेल भेजे, कई रिमाइंडर भेजे, और उनसे यह जानना चाहा कि कोर्ट के आदेश का पालन कब कराया जाएगा और इस पर मंत्रालय का स्पष्टीकरण क्या है और इस पर मंत्रालय क्या कहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि किसी आईएएस अफसर के खिलाफ ये पहली बार हो रहा है। हमने कुछ रिटायर्ड अधिकारियों से इस पर बात की। जी मीडिया ने जब 2004 से 2007 तक कैबिनेट सचिव रह चुके बीके चतुर्वेदी से इस केस पर बातचीत की, तो उनका जवाब था, ये सही केस है जिसमें केंद्र सरकार दखल दे, सारे सबूतों को दोबारा देखे, कोर्ट के फैसले को देखे और युवा अफसर को न्याय मिले। हमने कई पूर्व आईएएस अफसरों से इस मामले पर बातचीत की। अगर अफसर का मनोबल सरकार इतना गिरा देगी तो अफसर कैसे नौकरी कर पाएगा? देखिए, लेजिस्लेशन का काम होता है कानून बनाना, लेजिस्लेट करना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो उस एग्जीक्यूटिव में
बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे और डिपार्टमेंट्स हो, उनके अगर मनोबल इस तरह गिरेगा तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला कर दिया है और उनको अपराध से मुक्त कर दिया है, उनके साथ एक विशेष परिस्थिति हो गई है। यहाँ पर वो जेल में रहे, बेवजह उन पर गलत तरीके से उंगली उठाई गई। यहाँ हम एक बात और बता दें कि जितेंद्र गुप्ता के पास MBBS की डिग्री भी है और कोरोना वायरस के इस दौर में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 15 महीनों में लगभग 15 लाख रुपए से भी ज्यादा सैलरी IAS जितेंद्र गुप्ता को सरकार दे चुकी है, इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जितेंद्र गुप्ता से काम जरूर ले। सवाल यही उठता है कि जनता के पैसों से अधिकारियों को सैलरी देने वाली सरकार आखिरकार ऐसे अधिकारियों को काम पर क्यों नहीं लगाती? क्या कोरोना जैसे संकट काल में एक एक मैन पावर जरूरी नहीं? क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्हें इंतजार कराना कोर्ट की अवमानना नहीं? केंद्र सरकार के DOPT मंत्रालय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि ईमानदार अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।